आपके पुणे शहर में मैं आकर 5 दिन हुआ है और बुधवार गुरुवार तक मैं यहाँ पर ही पुणे में हूँ। और बस आपकी प्रार्थना रहे, लगातार 5 दिन से अलग अलग स्थानों में सुबह से शाम तक जो है सेवकाई परमेश्वर अद्भुत रीति से चला रहे, आशीष कर रहे। आइए, इस समय में जो समय दिया है उसको ध्यान में रखते हुए कोशिश रहूंगा मेरा। आपको पता है मैं बहुत दिन से ये बात बोलने का इच्छा रखता था, परंतु आज जैसे पास्टर चंद्रा ने जो प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय पढ़ा तो ये कंफर्म हो गया कि मुझे ये बात बोलना जरूरी है। और मैं पास्टर चंद्रा निकी को भी मैं धन्यवाद दूंगा उनका प्यार के लिए जो आज सेवकाई के लिए अवसर दिया है। आपको पता है हम लोग एक कोरस गाते हैं, ये गीत गाते हैं, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। आपको पता है ये गीत कई मंदिरों में भी गाया जाता है, कई मंदिरों में ये गीत गाया जाता है। जब मैंने सुना कि कई मंदिरों में गाया जाता है तभी मैंने इसको, आप ध्यान दीजिएगा, मंदिरों में क्यों गा रहे पता है? क्योंकि उसमें यीशु का नाम नहीं है। उस गीत में पूरा शुरू से लेकर अंत तक 3 स्टैंजा है, उसमें ना यहोवा का नाम है, ना यीशु का नाम है, ना पवित्र आत्मा का नाम है। इसके लिए एक कॉमन गीत होने के कारण मंदिर में गाते हैं। तो मैंने क्या किया, उसको एक यहोवा का नाम, यीशु का नाम उसमें डाल दिया है। वो एक छोटा सा कोरस जो है उसको मैं गाना चाहूंगा और उसमें हालेलुया कोरस तो ऑलरेडी है ही है। परमेश्वर को एक बार वापस छूने दीजिएगा। आइए, इस समय में जो है अपनी आंखों को बंद करते हुए, आपको लग रहा है कि जो रीति से मैं गा रहा हूं, अगर आपको लग रहा है हाँ ये बहुत अच्छी है, हम भी ऐसे गाएंगे, आप जरूर गा सकते हैं। नहीं तो हमेशा की तरह आप जैसे परमेश्वर को स्तुति कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर जानता है कि हम उसी की महिमा कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। सारे सृष्टि के मालिक यहोवा, सारे सृष्टि के रक्षक यहोवा, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं यीशु के गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक यहोवा, सारे सृष्टि के रक्षक यहोवा, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं यीशु के गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक यहोवा, सारे सृष्टि के रक्षक यहोवा, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं यीशु के गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक यहोवा, सारे सृष्टि के रक्षक यहोवा, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं यीशु के गुणगान मिलकर।
पिता परमेश्वर एज़ाया 43:21 में लिखता है कि तूने मानव को इसलिए बनाया कि हम तेरे गुणानुवाद करें, तेरी स्तुति आराधना करें, और तूने कहा कि महिमा स्तुति महिमा मेरा है, ये मैं दूसरों को नहीं दूंगा, मेरा स्वामी मेरा राजा मैं धन्यवाद करता हूं। फिर एक बार आज ये पुनरुत्थान का मसीह सभा में तूने हमें एकत्रित किया। अब तक जो भी गवाही प्रार्थना स्तुति आराधना हुई है राजा, उसके द्वारा तुझे महिमा मिली है। अब तेरे वचनों से तू बातें करने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन। ओके, मैं फिर एक बार जो है, आप जानते हैं पिछली बार हमने दूसरा राजा 4 अध्याय से, ये मुझे लग रहा है तीसरी बार है, जो तीसरा भाग भी बोल सकते हैं। और आज मैं क्या करूंगा, थोड़ा पिछली बातों को रिपीट करके आज उसको कंटिन्यू उसको टीचिंग को हम लोग समाप्त करेंगे। ओके, तो दूसरा राजा अध्याय 4 उसका अगर 8 वचन से अगर आखिरी तक पढ़ेंगे, और दूसरा राजा अध्याय 8 1 से 8 वचन तक पढ़ेंगे, तो ये दोनों अध्याय में से हम लोग कुछ बातों को देखा है। आपको अगर और ही सुनना है तो पिछला जो वीडियो में जो है पास्टर निक से कहेंगे तो जरूर आपको भेजेगा, ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुके हैं, आप उसको सुन सकते हैं। आइए इस समय में हम शुरुआत करते हैं। यहां पर कहता है कि यलिश सुनेम को गया, वहां पर एक कुलीन स्त्री थी, एक कुलीन स्त्री, कुलीन स्त्री को मराठी में बोलते हैं थोर, यानी के इज्जतदार परिवार, सम्मान पाया परिवार, आशीर्वादित पाया परिवार। अब ये परिवार में कोई चीज का कमी नहीं है, उनका बड़ा घर है, खेती है, जमीन है, नौकर चाकर सब कुछ है, उसको कोई चीज का कमी नहीं है, और फिर भी उसके बावजूद भी परमेश्वर उनको 5 आशीष दी। ये हम लोग ने पिछली बार उसको देखे थे, मगर उसको मैं रिपीट करता हूं, 5 आशीष क्या है। नंबर 1, सुनेम ये जो कुलीन स्त्री को संतान नहीं था, यलीशा ने प्रार्थना की, संतान की आशीष मिली। नंबर 2, वो लड़का जब बड़ा हो गया उनका अचानक से सर दर्द हो गया और सर दर्द से उसकी मौत हो गया, यलीशा ने प्रार्थना की और वो जीवित हो गया। तीसरी बात, अकाल के समय में यलीशा ने कहा कि परमेश्वर बता रहे 7 सुनेम में अकाल आएंगे, तो इस कारण से उस बातों को सुनकर कुलीन स्त्री के परिवार पालिस्तीन देश में गया, वहां पर वो बड़ा चंगा था, मगर यहाँ पर सभी लोग भूख और प्यास से तड़प रहे थे। तो तीसरा आशीष ये है, अकाल के समय में लोग बड़ा चंगा था। चौथी बात, जब लोग लौट कर आए तो उनका घर जमीन जो भी है राजा ने कब्जा कर लिया था, और जब ये लोग मांगते समय में राजा कहता है कि मैं तुझे नहीं पहचानता हूं क्योंकि 7 में मैंने तुझे नहीं देखा, परंतु वहां पर परमेश्वर यहोवा हीरे बनकर जो गेहजी को वहां पर भेजा, जो यलीशा का सेवक जो है उसको वहां पर भेजा, और वो वहां पर गवाही दे रहा है कि राजा जिसके बारे में गवाही में दे रहा था वो यही परिवार है, तो उनका जो कब्जा किया जो है उनको वापस से मिला। और 5वां आशीष हम लोग देख रहे हैं कि 7 का जो नुकसान इनका हो गया उसको भरपूरी रीति से दे दे। तो ये कुल स्त्री ने 5 आशीष पाया, और मैंने पिछली बार कहा था ये स्त्री 5 आशीष पाने के लिए उन्होंने 2 काम किया। तो ऑलरेडी हम लोग ने एक काम के बारे में देखा, ओके, परंतु ऑर्डर वाइज में मैं जाता हूं कि अभी जो क्या बोलते ना, ऑलरेडी एक काम को देखा मगर फिर भी मैं रिपीट करूंगा। पहला उन्होंने काम किया, वो यलीशा के लिए चिंता किया, हम लोग पिछली बार देखा, मगर अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, यानी कि बोलने में तो 2 काम बोले। तो पहला काम उसने क्या किया, वचन अगर आप पढ़ेंगे 9 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, दूसरा राजा अध्याय 4:8-9। फिर एक दिन की बात है कि यलीशा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनंती करके विवश किया, और जब जब वो उधर से जाता तब तक वो वहां रोटी खाने को उतरता था, और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन यह जो बार बार हमारे यहां से होकर आया हमारे यहां से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त पड़ता जान पड़ता है। अब ध्यान से सुनिएगा,
ये स्त्री ने दो काम किया। नंबर वन काम अगर नौ वचन पढ़ेंगे वहां पर लिखता है वो स्त्री ने अपने पति से कहा। ये पांच आशीष, ये पांच आशीष स्त्री ने पाया, मगर पांच आशीष पाने के लिए दो काम किया। नंबर वन नौ वचन में कहते हैं वो स्त्री ने अपना पति से कहा। मेरे प्रियो दूसरी बात तो आप लोग ने सुन चुका है, और दूसरी बात तेरा वचन में कहता है दूसरा काम उसने क्या किया, यलीशा के लिए चिंता किया। तो पहला काम क्या किया, उसने अपना पति से कहा। दूसरा काम क्या किया तेरा वचन में, वो यलीशा के लिए चिंता किया। और हमने देखा पिछले वीडियो में हमको तीन प्रकार के लोगों के लिए चिंता करना है, एक आपके अपने पास्टर के लिए, दूसरा जो है जो अनाथ विधवा परदेशी गरीबों के लिए, और तीसरा कितने आत्मा जो नरक की तरफ यीशु को उद्धार करते स्वीकार करते हुए नरक की तरफ जा रहे उस आत्माओं के लिए चिंता करना। ये पिछले वीडियो में आप सुनिएगा ताकि आपको और अच्छे से मिलेगा। तो पहला काम उसने क्या किया, वो स्त्री ने अपना पति से कहा। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो, वो स्त्री ने अपने पति से कहा। आज हमको क्या करना है, आज ये जो समय है ये चुप रहने का समय नहीं है मेरे प्रियो, ये समय कहने का समय है। आज हम चुप है मेरे प्रियो। आपको याद होगा जब यीशु मसीह गधे पर बैठकर यरूशलेम में जा रहे थे तो होसन्ना 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 करके जब उसकी वहां पर जब जय जयकार कर रहा था, क्या हो गया, शास्त्री फरीसी लोग आए, यीशु से कहने लगा, हे यीशु तुझे समझ में नहीं आता है, बच्चे लोग इतना जोर से अल्ला गुल्ला कर रहे हैं, उनको कह दे चुप हो जा। क्या आपको याद है यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा यदि ये चुप रहेगा तो पत्थर चिल्ला उठेगा। आज मसीह लोग चुप है, आज कलीसिया चुप है, आज परमेश्वर के वचन मालूम होने के बावजूद भी, प्रार्थना करना आते बावजूद भी, स्तुति आराधना करना आते बावजूद भी, और काउंसलिंग करने का आता उसके बावजूद भी, अच्छे रीति से लीडिंग कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, उसके बावजूद भी आज मसीह लोग चुप है। इसी कारण से पत्थर चिल्ला उठ रहे हैं। अब ये पत्थर कौन है, आप देखेंगे, आप खुद ये बातों को कहते होगा, देखो मैंने इसको लेकर आया चर्च में, मैंने इसको यीशु के बारे में बताया, ये बहुत बीमार था, ये शैतान के बंधन में था, इसको मैंने चर्च में लेकर आया, आज देखो कितना ये आत्मा में बढ़ रहा है, जलन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। पत्थर का मतलब पत्थर को पूजा पाठ करने वाला यीशु मसीह, अनजान देवी देवता को पूजा करने वाला परमेश्वर ऐसा व्यक्ति को आज उसके सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वही व्यक्ति जो है उद्धार पाकर हमसे और आपसे कई बढ़कर बड़ी चैलेंज के साथ में यीशु का जी उठने की सेवकाई कर रहे हैं। आज उनके द्वारा परमेश्वर कई लोगों को उद्धार कर रहे हैं। आज उनके द्वारा जो कई लोग चंगाई छुटकारा पा रहे हैं। आज उनके द्वारा भीड़ के भीड़ लोग कलीसिया में जुड़ते जा रहे हैं। ये वो व्यक्ति, क्योंकि हम चुप है, ज्ञान लेकर घर पर बैठ गए, अभिषेक लेकर घर पर बैठ गए, पवित्र आत्मा लेकर वरदान लेकर घर पर बैठ गए। ये तो वही बात हो गया। यीशु मसीह ने एक एग्जांपल कहा, राजा जब दूर देश में गया तो उन्होंने एक को 5 सिक्का दिया, एक को 2 सिक्का दिया, एक को 1 सिक्का दिया, 5 वाला ने तो 10 कर दिया, 2 ने 4 कर दिया, 1 वाला बोला कि मैं छिपा के रख दिया। याद रखे मेरे प्रियो, आज जो भी अच्छे टैलेंट, जो भी वरदान आपके पास है, जो भी परमेश्वर ने दिया, वो अगर इसको डबल नहीं करेंगे, परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमको उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। याद रखिएगा, वो स्त्री ने अपना पति से कहा। आज हमको क्या करना है, हमको कहना है मेरे प्रियो, क्या कहना है हमको, कोई लंबा चौड़ा जो है हमको कोई प्रचार नहीं करना है, हमको कोई प्रकार का जो बाइबल स्टडी नहीं करना है, हमको कोई प्रकार का उनको जो उसका पीछे जो है 10 घंटा जो है उसका पीछे सेवकाई करना है, उनको इतना ही कहना है। ओके, उसको मैं बाद में कहूंगा। देखो आगे लिखता है, सुनिए, 8वां वचन में कहता है, सॉरी 9वां वचन में कहता है, और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है वो मुझे परमेश्वर का कोई
पवित्र भक्त जान पड़ता है। यहां पर इस वर्ड को याद रखो, यानी कि परमेश्वर का सेवक उसको पवित्र भक्त करके कहा गया। आज परमेश्वर का हर एक सेवा कार्य करने वाला, परमेश्वर के दास लोग हो, चर्च के लीडर्स लोग है, इवेंजलिस्ट लोग है, मेरे प्रियो वो परमेश्वर के भक्त लोग हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखता है ना कि पवित्र लोगों की प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है, जो एक धूप के समान परमेश्वर तक पहुंचती है। मेरे प्रियो याद रखिएगा, बाइबल यहां पर परमेश्वर का भक्त यलीशा को कहते हैं ये कोई पवित्र भक्त है। अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये यलीशा ये कौन है, इसको देखिए, ये उंगली को देखिएगा, ये यलीशा है। यलीशा कुलीन स्त्री के घर पे गया, यानी कि एक पवित्र सेवक यलीशा कुलीन स्त्री में उसके घर पे गया, उसको संतान नेता संतान का आशीष पाया। ये पवित्र सेवक जब कुलीन स्त्री के घर में प्रार्थना किया, लड़का जी उठा। ये पवित्र सेवक यलीशा उनको अकाल के समय में परमेश्वर का और से शब्द कहा और वो बला चंगा रहा। यलीशा पवित्र सेवक जब कुलीन स्त्री के से कहा तो वो जो कब्जा किया उसको आशीष भी उनको मिला। यलीशा जब पवित्र सेवक का जब सुना तो उनका 7 साल का भरपाई मिला। इसका मतलब मेरे प्रिय याद रखिएगा, आज आपके पास्टर जब आपके घर में आते हैं, जब आप लोग प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में कितना चिन्ह चमत्कार हुआ ये आप जानते हैं। पास्टर की प्रार्थना के द्वारा आपका गरीबी श्राप से आपको आजाद मिला। पास्टर की प्रार्थना के द्वारा आप जो है आशीर्वादित हुआ, आप चंगाई पाया, आप छुटकारा पाया, क्या क्या पाया वो आप जानते हैं। इसका मतलब एक परमेश्वर का पवित्र सेवक प्रार्थना करने से 5 आशीष मिली है। तो आप इस शब्द को ध्यान से सुनिए, ये सब अगर समझ में आएगा मैं जो बोल रहा हूं तो आप उछल पड़ेंगे। जब पवित्र सेवक आपके घर में आने से आपको 5 आशीष मिला। अब ध्यान से सुनिएगा, ओके मैं कहूंगा, अभी सेवक जब आपके घर में आते हैं, जब सेवक आपके पास्टर जब आपके घर में आते हैं, आप लोग क्या करते पता है, आप लोग उनको बिठाते हैं और उनको चाय बिस्किट है ना जो भी है, आप वो आप जो है सेवक को आप चाय पिलाते हैं। तो ये चाय बिस्किट बनाने के देने में कितना समय जाता है, 1.5 घंटा जाता है। इसका मतलब फिर उसके बाद में वो कड़क चाय पीगा और कड़क आशीष देके जाएगा, आप समझ गया। तो इस तरह से आप जरा सोचिएगा कि एक सेवक आपके घर में आता है, एक चाय बना के उसको पिलाने तक 1.5 घंटा जाता है। फिर आप कुछ दिन के बाद में आप पास्टर को बोलते हैं, नहीं नहीं पास्टर हम जो है आपको नहीं चढ़ेगा, आज खाना खा के जाना है। अभी खाना बोले तो उसको पप्पू बुआ तो नहीं देगा, यानी पप्पू बुआ बोलते दाल भात तो नहीं देंगे आप उसको। आप जाएंगे मार्केट में भागेंगे, चिकन या मच्छी जो भी है उसको बना के खिलाने तक, खा पीने तक उसको कम से कम 2 घंटा लगेगा। यानी कि एक सेवक आपके घर में 2 घंटा तक रुके हैं, फिर वो दबा के खाता है और दबा के आपको आशीष देकर चले जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, पवित्र सेवक जब आपके घर में आया, चाय पिलाया 1.5 घंटा, पवित्र सेवक आपके घर में आया जब आप खाना खिलाया तो 2 घंटा। मगर याद रखिएगा, अगर आपके घर में पवित्र सेवक के चलते अगर पवित्र यीशु आ गया तो हेलो लिया, आप समझ गया, पवित्र सेवक आने से आपको 5 आशीष मिल रहे, कई आशीष मिल रहे। वही अगर आपके घर में अगर पवित्र यीशु आ गए तो अद्भुत अनगिनत आशीष मेरे प्रियो। इसलिए आज हमको ये कहना है मेरे प्रियो, जब पवित्र यीशु मसीह जब हमारे घर में आते हैं वो 24 घंटा हमारे घर में रहते हैं, इमैनुअल बनकर। सेवक आएगा चले जाएगा, मगर यीशु मसीह जब आएगा वो 24 घंटा हमारे घर में रहेगा, और हमारे घर के अंदर जो भी जादू टोना मंत्र तंत्र है उसको भागना पड़ेगा। बीमारी लाने वाला सारा कमजोरी वातावरण उसको भागना पड़ेगा, गरीबी श्राप को भागना पड़ेगा, ढेर सारे परमेश्वर घर में रहकर। इसलिए तो यीशु को प्रभु करके कहा गया। प्रभु का मतलब क्या है, प्रभुता करने वाला, राज्य करने वाला। जब वो यीशु जब मेरे जीवन में आते हैं, वो यीशु जब हमारे घर में आते हैं तो हमको कुछ नए वो करेगा उसके अद्भुत कार्य। मेरे प्रियो बात ध्यान से सुनिएगा, आज ये समय कहने का समय, चुप रहने का समय नहीं। हमको क्या कहना है, उस परिवार उन लोगों के पास जाओ जिनके पास संतान नहीं है। आपके आप देखो आपको मालूम है किसके घर पे संतान है, उनके घर पे जाओ, उनको इतना ही बोलो, एक बार
पवित्र यीशु को तो अपने जीवन में अपने घर पे बुला ले। जब वो पवित्र यीशु जब तेरे जीवन में तेरे घर में आएगा तो तुझे संतान का आशीष मिलेगा। क्या इतना नहीं बोल सकते आप? अब उन घर पे जाइएगा जो जवान बच्चे लोग जो है आज दारू के नशा में, सिगरेट के नशा में, ड्रग्स के नशा में, अलग अलग व्यसनों में भटक गए हैं, और जवान के कारण आज कितने माता पिता दुखी है। आप उनके घर पे जाइएगा और उस पेरेंट्स से कहिएगा एक बार पवित्र यीशु को तो अपने घर में बुला ले। जब पवित्र यीशु जब तेरे घर में आएगा तो तेरे बच्चे जो भटके हैं वो सही राह पर चलेगा। क्या इतना आप नहीं कह सकते हैं? इतना कहने के लिए डर लगता है। आप उस घर में जाइएगा जिनका जो है बहुत सारा चीज कब्जा हुआ है, सालों से कोर्ट में उनका केस चल रहा है। आप उनके पास जाइएगा, उनको कहिएगा एक बार प्रभु पवित्र यीशु को एक बार आपके घर पे बुलाइएगा, अपने जीवन में बुलाइएगा, देखो आपका जो कब्जा हो गया वो आपको मिल जाएगा। एक बार उस घर में जाइएगा जो कमाता है मगर घर घर में बरकत नहीं है, पैसे में बरकत नहीं है, अनाज में बरकत नहीं है, कर्ज के पर कर्ज हो गया, कमाते अच्छा है। आप उस घर में जाइएगा, उनको बोलो एक बार प्रभु यीशु पवित्र यीशु को अपने जीवन में अपने घर पे बुला ले। उसके बाद में जब प्रभु तुम्हारे कामों को आशीष करेगा, तुम्हारे अनाज को आशीष करेगा, और वो बरकत ही बरकत रहेगा। अभी कर्जा लेने वाला नहीं परंतु कर्जा देने वाला परमेश्वर जो है, यानी कि कर्जा लेने वाला नहीं परंतु औरों को आशीष देने वाला तुमको परमेश्वर बनाएगा। मेरे प्रियो, उस परिवार में जाइएगा जो कितना नुकसान होकर, कितने लोगों का कितना नुकसान हो गया है, वो आज भी इसको पेट नहीं पा रहे, उस घर में जाइएगा ताकि परमेश्वर जब उनको बोलिए एक बार पवित्र यीशु को आप बुलाइएगा, वो जब तुम्हारे घर पे आएगा जितना तुम्हारा नुकसान हो गया उसका भरपाई करके परमेश्वर देगा। यस मेरे प्रियो, वो एक शब्द आपको बोलना है, वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपका कोई भी हो सकते हैं, उस पर जाइए। उनको कोई यीशु के बारे में नहीं बोलना है, उनको इतना ही बोलना है आप उनके दर्द उनके तकलीफ में एक बार आपके मेहमानों को बुलाते हैं, आपके घर के बड़े लोग को बुलाते हैं, आप एरिया के इज्जतदारों को बुलाते हैं, आप उनको खाना खिलाते हैं, शॉल देता है, अच्छे तोहफा देता है, गिफ्ट देता है, चले जाते हैं, और एक बार यीशु को बुलाइएगा, वो आपके जीवन में देखो कैसे स्वर्गीय आशीष से आप गिफ्ट से भर के उतृप्त करेंगे। यस मेरे प्रियो, इसलिए ये जो है ये पांच आशीष कुलीन स्त्री ने पाया। उसने पहला काम किया, उसने अपना पति से कहा। हमको क्या करना है? हमको कहना है। क्या कहना है? ये सारे बातों को एक बार, यानी कि पवित्र सेवक आने से इतना आशीष है, तो पवित्र यीशु अगर उनके जीवन में आएगा तो कितना आशीष और कितना बरकत और कितना उद्धार का कार्य वो, यानी कि पहली बात आज हमको चुप नहीं रहना है, हमको कहना है। दूसरी बात हम लोग ने क्या देखा 13 वचन में, दूसरा 4:13 में कि उसने एलीशा के लिए चिंता किया, और तीन प्रकार का चिंता करना है, पास्टर के लिए, अनाथ विधवा गरीब लोगों के लिए, और तीसरा कई आत्मा जो उद्धार के बिना नरक में जा रहे हैं उनके लिए चिंता करना है। ये दो काम अगर आप करेंगे तो वो कुलीन स्त्री तो पांच आशीष पाया, उससे कई ज्यादा आशीष आप प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये जो है बस इतना से मैं आपसे कहूंगा, और परमेश्वर आपको आशीष करे। और जो भी है पिछला जो वीडियो में मैंने तीन प्रकार का जो काम के बारे में, चिंता के बारे में मैंने बताया है, और पांच आशीष के बारे में तो मैं रिपीट किया है, और आप ये बातों को, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये बातें परमेश्वर के चरणों में रखे, परमेश्वर और नई नई बातें कहेंगे, और आपके द्वारा परमेश्वर कई लोग आशीष करेंगे। ओके, परमेश्वर आपको आशीष करे। आप सबको धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। पास्टर निक्की के लिए धन्यवाद, पास्टर चंद्रा के लिए धन्यवाद। आमेन। Amen. Thank you, Pastor James. Beautiful word. बहुत आत्मा से भरा हुआ, परमेश्वर की आशीष से भरा हुआ अपने वर्ड दिया है।